हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। मेरे पास एसी की आउटडोर एसी फैन मोटर आई थी, जो मैंने वाइंड करी है और इसमें डाटा जो मैंने अपना खुद का बना के डाला है। और इसमें एचपी जो है इसके 1.5 है, आरपीएम इसके 1000 और कैपेसिटर इसमें 5 का। और इसमें जो भी बताया मैंने डाटा इसमें अपनी वीडियो में बताया। और डायस का है 2 इंची 7 सूत और कोर है 1.25 इंची। ओके दोस्तों, इसका ध्यान रखना। और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका सारा डाटा मैं हमेशा कहीं ना कहीं बताता हूँ। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर डाटा मिलेगा, या तो मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ या फिर मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मेरी एसी की मोटर की वाइंडिंग कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, वॉच। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुणाल इलेक्ट्रिकल्स में। मेरे पास एक आउटडोर की मोटर आई थी चूड़ी वाली, तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी क्या क्या इसमें क्या क्या नहीं है। पहले इसका मैं थोड़ा आपको डायग्राम समझा देता हूँ। मॉडल नंबर है E1137, HP 5, Ampere 1.6, 1000 RPM और कैपेसिटर का 5 का रोटेशन है सीधी। और ये है सिंगल स्पीड में, और ये है 36 लाड। कोर है इसकी 1.25 इंची और डाया है 2 इंची 6 सूत। अंदर का डाया जो है 2 इंची 6 सूत, कोर है 1.25 इंची। ओके दोस्तों, और डाटा जो है मैं आखिरी में आपको इसे स्क्रीनशॉट दे दूंगा पर्ची में, इसमें कौन से तार है, कैसे तार है, 27 28। ओके दोस्तों, सिंगल वहाँ पीछे इसकी 5 7 9 और स्टार्टिंग है 6 8 10। ओके दोस्तों, हमारे रिंग हम डालते हैं 36 लाड। इसमें मैंने सेट डाले हुए हैं, see
ओके दोस्तों, मेरी मोटर हो चुकी है कंप्लीट। वाइंडिंग मैं कर चुका हूँ, कॉपर में सिल्वर में आती है ज़्यादातर मोटर ये, तो मैंने पहले भी ये मोटर वाइंड कर रखी है इसलिए मुझे इसका डाटा मालूम था। और मेरी मोटर कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, फिलहाल मैंने इसकी वाइंडिंग कर चुका हूँ 1400 RPM में। सिंगल स्पीड मोटर है, कॉमन जो है इसकी ब्लैक है और कैपेसिटर के अलग से। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं धागा होगा सब मैंने इसमें कर चुका हूँ। और मैं आपको इस मोटर के एम्पेयर चेक कराऊंगा कितने एम्पेयर ये मोटर लेती है अभी मेरे इस एम्पेयर मीटर का। ओके दोस्तों, हमारी मोटर हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं तुमको इसके मोटर के एम्पेयर चेक करवाता हूँ कितने मोटर ये एम्पेयर लेती है। और मैं आपको ये बता दूँ, इसमें देखो कैपेसिटर 5 का है और मैंने अलग से कैपेसिटर की तार है इसमें, पीली वाली और ब्लैक वाली दोनों कॉमन है। ये मेरी लगी हुई एम्पेयर वाली तार। ओके दोस्तों, और एम्पेयर, और मैं आपको इसकी फिर से कुछ दिखा देता हूँ डायग्राम, तो देख सकते हैं आप इसमें 1000 RPM है, 1.6 एम्पेयर है, HP का डब 5 है, कैपेसिटर 5 का है, 1137 मॉडल। ओके दोस्तों, सिंगल स्पीड। अब मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ, आप देख सकते हैं मोटर तो हमारी चली रही है। और आपको इसके एम्पेयर चेक कराता हूँ कितना एम्पेयर ये ले रही है, 0.36। ओके दोस्तों, 1400 RPM कोपर में करिए, सिल्वर में आती है। आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, और शेयर ज़रूर करना ताकि मेरे को आगे से आगे आपके लिए वीडियो नई नई सी लेके आता रहूँ। ओके दोस्तों, और कुछ भी अगर इस मोटर के बारे में जानना तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस मोटर के बारे में आपको कुछ और पूछना है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। ओके दोस्तों, बाय।